हेलो एंड वेलकम टू दिस क्लास ऑफ एनिमेशन। आज हम लोग करेंगे बाउंसिंग बॉल। पिछला सेशन में हमने किया था एनिमेशन का बेसिक्स, ओके? सो अभी हम लोग उस बेसिक्स को अप्लाई करके एक प्रैक्टिकल करेंगे। देखिए, कोई भी एनिमेशन करने से पहले उसका प्लानिंग माइंड में क्लियर होना चाहिए, तभी जाके आप कंप्यूटर में आसानी से कर सकते हैं। अगर आपका माइंड में प्लानिंग क्लियर नहीं है तो नहीं कर सकते। सो सबसे पहले हम लोग अपना प्लानिंग का पार्ट देखते हैं कि बाउंसिंग बॉल कैसे होगा, ओके? सो मान लीजिए ये वाला आपका ग्राउंड है, ओके? सो इसके बाद मान लीजिए मैंने मेरा ये वाला बॉल है लाइक दिस, ओके? सो इसके बाद क्या होगा, ये वाला जो बॉल यहाँ पे है ये ऊपर से आके नीचे गिरेगा ऐसे। बॉल पहले ऊपर था, वहां से नीचे आया, ओके? इसके बाद क्या होगा, देखिए, इसके बाद ये जो बॉल है जब बाउंस करेगा तो यहाँ पे ये स्क्वैश होगा, ऐसे स्ट्रेच होगा, ओके? इसको बोलते हैं स्क्वैश एंड स्ट्रेच, ओके? स्क्वैश मतलब देखिए, ये बॉल इधर से छोटा होगा, इधर से बड़ा होगा, मतलब बॉल का वॉल्यूम सेम रहेगा। सो बॉल ने पिच किया, यहाँ पे उसने स्क्वैश किया। अभी देखिए यहाँ पे वो फिर से स्ट्रेच करेगा, जब ये ऊपर उठेगा तो ये स्ट्रेच होगा। स्ट्रेच का मतलब क्या होता है, एक तरफ से बड़ा होता है तो दूसरी तरफ से छोटा हो जाता है। इससे क्या होगा, 3D में वॉल्यूम सेम रहता है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद बॉल यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, ओके? और ये ऑप्शन कंटिन्यू रहेगा, ओके? मतलब अभी समझ लीजिए, मान लीजिए मैंने एक फ्रेम में यहाँ पे रखा स्टार्टिंग पॉइंट, ये जो दूसरा पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट मान लीजिए मैंने 10 फ्रेम में रखा, इसके बाद ये जो स्क्वैश हुआ मान लीजिए ये 13 फ्रेम में स्क्वैश हुआ, इसके बाद मान लीजिए ये जो स्ट्रेच हुआ ये मेरा 16 फ्रेम में स्ट्रेच हुआ, और ये 1 का जगह पे पहुंच गया मान लीजिए एग्जैक्टली 20 या 21 पे, क्योंकि देखिए ये 10 फ्रेम का गैप दिया था, जब ये वापस बाउंस करके ऊपर जाएगा तो थोड़ा स्पीड में जाएगा, ओके? सो देखिए डिस्टेंस और स्पीड, ओके, ये सब कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशंस होते हैं। ये सब हम तो वो टॉपिक अभी नहीं कर रहे हैं, फिर भी प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशंस कुछ अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका देखिए एनिमेशन परफेक्ट होगा। पहला है स्क्वैश एंड स्ट्रेच। कार्टून जब बनता है एनिमेशन में तो वो अगर पूरा सॉलिड रहता है तो वो मैकेनिकल लगेगा, अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। जब तक आपका कैरेक्टर का पोर्शंस में मूवमेंट नहीं होता, स्पॉन्ज जैसा मूवमेंट नहीं होता, तब तक वो नेचुरल नहीं लगता है। तो इसीलिए पहला प्रिंसिपल है स्क्वैश एंड स्ट्रेच। उसके बाद है टाइमिंग एंड स्पेसिंग। आपका टाइमिंग और स्पेसिंग ठीक होना चाहिए। मान लीजिए ऐसा नहीं कि आपने एक में यहाँ रखा, इसको 50 में नीचे रख दिया या 20 में नीचे रख दिया, फिर आप अचानक इसको 30 में ऊपर ले गए, तो ये अननेचुरल लगेगा कि इतना स्लो में आया वो इतना ज़ोर से ऊपर कैसे चला गया। तो टाइमिंग और स्पेसिंग इसको मेंटेन किया जाता है। ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा बाद में कभी डिटेल में। तो हम लोग जो भी एनिमेशन प्रैक्टिस करेंगे उसमें ये प्रिंसिपल्स हमारा अप्लाई होना चाहिए, ओके? इसको हम लोग प्रैक्टिकल में करते हैं। मैंने प्लान बना दिया है। सो सबसे पहले हम ब्लेंडर में क्या जाएंगे, फाइल न्यू जनरल, एक नया फाइल बना देते हैं। ये बॉल में बना रहे हैं तो ये वाला स्पीयर ये क्यूब हटा देते हैं। गो टू एड मैश प्लेन, यहाँ इसको थोड़ा स्केल कर देंगे इतना लाइक दिस, ओके? इसके बाद हम लोग एक बॉल क्रिएट करेंगे, ऐड मैश यूवी स्पीयर, ये बहुत बड़ा हो गया। इसको हम लोग यहाँ स्केल में आते हैं, यहाँ स्केल में, यहाँ से मैं 0.5, यहाँ से मैं 0.5 और यहाँ से 0.5 कर लेते हैं, ओके? तो आधा हो जाएगा, मैंने इसको आधा कर दिया लाइक दिस। हाँ, ऐसे मैन्युअली स्केल करने से क्या होगा, वो राउंड शेप नहीं रहेगा, तो इसलिए मैंने ऐसे कर दिया। इसको ऑब्जेक्ट मोड में जाके स्मूथ शेड कर देते हैं ताकि लाइनिंग दिखाई ना दे, बस, ओके? लाइक दिस मैंने इसको इस हाइट में रखा। ये एनिमेशन का फ्रेम ऐसे ले आते हैं, हमको दिखना चाहिए, थोड़ा ऊपर लेते हैं, 5 लग रहा है, ओके? बाउंस थोड़ा ऊपर से करेगा तो अच्छा लगेगा, ओके? ओके, सो इसको ऐसे ऊपर रखते हैं। तो अभी मेरा टोटल एनिमेशन कितना फ्रेम का था, 21 फ्रेम। तो ये 250 फ्रेम मुझे नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे 21 टाइप कर देता हूँ लाइक दिस, ओके? सो पहला फ्रेम में तो ऊपर है, आप क्या करेंगे, ये ऑटो की ऑन कर देंगे, इसको ऑटो की बोला जाता है,
इसको ऑटो कीइंग ऑन कर देंगे, इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा मूव कर लेंगे, इससे क्या होगा आपका यहाँ पे की फ्रेम बन जाएगा। ओके लाइक दिस, यहाँ पे जाके आप माउस को स्क्रॉल कर लीजिए थोड़ा, तो ये बड़ा सा बड़ा होके दिखेगा ये वाला। ऐसे जस्ट माउस को इसके अंदर लेके स्क्रॉल करना है लाइक दिस, और ऐसे ड्रैग करके बीच में ले आना है। ओके तो अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, ये फ्रेम नंबर बन गया, तो फ्रेम नंबर 10, अभी 10 फ्रेम में आता हूँ ये वाला, इसको नीचे लेके जाएंगे मूव। ओके ये ग्राउंड में जाके टच करेगा लाइक दिस, टच करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे 13 नंबर फ्रेम में हम लोग जाएंगे, ये 13 नंबर फ्रेम में इसको हम लोग स्केल करेंगे। यहाँ पे देखिए एक हमारा छोटा सा गलती होगा स्केल में, क्योंकि कंप्यूटर को मालूम नहीं है कि स्केल कब से करना है, कंप्यूटर क्या करेगा जीरो से स्केल कर लेगा। ओके ये सब हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। अभी मैं इसको स्केल अगर करूँगा, ये देखिए स्केल हमारा मैंने ऐसे कर दिया, इधर से कम कर दिया, इधर से ज़्यादा कर दिया, इसको मूव करके और थोड़ा ग्राउंड में रख लेंगे ऐसे। ओके अभी एक चीज़ क्या होगा, देखिए मेरा बॉल ऊपर से आ रहा है, यहाँ पे नीचे हिट किया, उसके बाद ऐसे स्केल हुआ, इसके बाद क्या होगा मेरा फ्रेम नंबर 15 में, हाँ 16 में, 16 में ये स्ट्रेच होगा, मतलब ये ऊपर थोड़ा सा मैंने लिया, इसको मैंने ऐसे स्ट्रेच कर लिया ऐसे और ऐसे, थोड़ा सा ऊपर भी ले लेंगे तब जाके नेचुरल लगेगा लाइक दिस। ऐसे आया, यहाँ पे बाउंस किया, स्ट्रेच किया, स्क्वैश किया, फिर स्ट्रेच किया, फिर 21 वाला फ्रेम जो है ये पहला वाले का कॉपी है, तो पहला फ्रेम में क्लिक करेंगे वो देखिए येलो कलर का हो जाएगा, शिफ्ट डी प्रेस करके इसको हम लोग 21 में ला के रख देंगे। अभी आप प्ले कीजिए, दिस विल लुक लाइक ए बाउंसिंग बॉल। ओके तो कोई भी प्लानिंग ऐसे किया जाता है, पहले कैसे कहाँ रहेगा, फिर कहाँ रहेगा, फिर कहाँ रहेगा, फिर क्या होगा, सो उसको स्टेप वाइज अगर आप प्लानिंग कर लेंगे, ये प्लानिंग एक्चुअली माइंड में ही हो जाता है, लेकिन नए नए जो सीखते हैं वो हठात नहीं कर पाते, तो इसलिए मैंने ये ड्राइंग करके सिखाया। ओके तो आप जब भी हम कैरेक्टर एनिमेशन करेंगे, मान लीजिए कोई हाथ ऐसे हिला रहा है, ओके तो पहले क्या रहेगा, पहला फ्रेम में हाथ नीचे रहेगा, फिर क्या होगा 10 फ्रेम में हाथ ऐसे आ जाएगा, 12 फ्रेम में हाथ ऐसे आ जाएगा, 15 में ऐसे आ जाएगा, फिर 18 में ऐसे आ जाएगा, फिर मान लीजिए 20 में ऐसे ले लिया, फिर 25 में ऐसे ले लिया, तो क्या होगा एक सेकेंड में मेरा हाथ ऐसे उठेगा, ऐसे होके वापस आ जाएगा लाइक दिस। ओके सो हर पोजीशन का एक की फ्रेम होता है, तो आपको की फ्रेम सेट करना पड़ेगा और आपको ये चूज करना पड़ेगा कि कहाँ पे हम की फ्रेम मूव करें, कहाँ पे कॉपी करें। कॉपी का एक एग्जांपल देता हूँ, देखिए मेरा हाथ में ऐसे 4-5 बार हिला रहा हूँ, इसका मतलब क्या होता है, मेरा हाथ एक बार यहाँ पे है एक की फ्रेम, एक बार यहाँ पे है और एक की फ्रेम, सो ये वाला की फ्रेम फिर से यहाँ पे आएगा, तो इसका की फ्रेम मैं कॉपी करके डाल दूंगा, मतलब मैनुअली मुझे 5 बार हिलाने के लिए 5 बार इधर उधर मूव करने का जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ एक बार इधर रखूंगा एक बार उधर रखूंगा, दोनों का की बन जाएगा, तो जब जो की जहां पे मुझे जरूरत पड़ेगा मैं उसको वहां पे लेके कॉपी कर दूंगा, इससे आपका यहाँ पे एनिमेशन बन जाएगा। ठीक है आप ये बाउंसिंग बॉल आज प्रैक्टिस करके देखिए, और मेरा पिछले क्लास का वीडियो का एनिमेशन अच्छे से देखिए, इससे आपको एनिमेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, तो आप जब कार्टून एनिमेशन बनाएंगे तो आपको एक इमेजिनेशन होगा कि ये तो ऐसे बनता है, कोई चल के जा रहा है, मतलब चलने का एक एक स्टेप, ये सब मैं डिटेल में बताऊंगा, एक स्टेप यहाँ पे रहा, उसके बाद पांव थोड़ा उठा, फिर पांव थोड़ा पड़ा, फिर ये पांव उठा, फिर ये पांव उठा, तो एक एक स्टेप का जो फोटोग्राफी होता है उसको मिला के एनिमेशन किया जाता है, और वो एक एक स्टेप हम एक एक की फ्रेम में ये ऑटो की ऑन करके रख के बनाते हैं। वेरी सिंपल, सिर्फ टाइमिंग ठीक होना चाहिए, स्पेसिंग ठीक होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन फॉलो करना चाहिए, तब जाके एनिमेशन परफेक्ट बनेगा। प्रिंसिपल फॉलो नहीं करेंगे तब भी एनिमेशन बन जाएगा, लेकिन बहुत आड़ा टेढ़ा हो जाएगा, परफेक्ट नहीं लगेगा। ओके तो आज का क्लास इतना ही, ये बाउंसिंग बॉल सब लोग बना के दिखाइए। थैंक यू।